खाते में नई कार्यकारिणी का ऐलान संभव है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भाजपा से जुड़ी हुई, जहां भाजपा नई कार्यकारिणी का गठन जल्द करने जा रही है। कई नए चेहरों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और जून के आखिरी हफ्ते में ये नई कार्यकारिणी गठित होगी। लाजमी है पार्टी में संगठनात्मक बदलाव। अभी सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दायित्व डॉक्टर राजीव बिंदल जी को मिला है और डॉक्टर राजीव बिंदल जी अपनी टीम तय करेंगे, क्योंकि जब भी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो नई टीम बनती है और टीम बनेगी। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इस खबर पे भी, ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं राजेंद्र। जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद, उस लेसन को लेने के बाद, अब बीजेपी एक नए सिरे से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया है। कई और कारण भी थे लेकिन मुख्य कारण ये भी एक था। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। क्या मुख्य बिंदु उस दौरान रहेंगे इस पूरी खबर पर, और इसके अलावा कौन से वो बड़े चेहरे हैं और कौन से वो नए चेहरे हैं जिन्हें इस कार्यकारिणी में शामिल होने की अटकलें तेज चल रही हैं? राजेंद्र जस्मिन, ये जो खबर हमारे पास है सूत्रों के हवाले से कि 20 तारीख के बाद, क्योंकि 20 तारीख तक जो भाजपा का पूरे देश में कैंपेन चला है, महासंपर्क अभियान भाजपा का चला है, अलग अलग जगह बैठकें हो रही हैं, जिस अभियान के तहत जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आए, दो जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और बिलासपुर जिला में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, ये कैंपेन हम कह सकते हैं एक्टिव तौर पर 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा और 20 से 30 तारीख तक फिर छोटी छोटी बैठकें या डोर टू डोर कैंपेन या संपर्क अभियान भाजपा का चलेगा, जो तैयारी है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में इसी महीने भाजपा की नई कार्यकारिणी का गठन हो सकता है। और जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, डॉक्टर राजीव बिंदल जो नवनियुक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी इस विषय को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा भी हो चुकी है और जो कोर कमेटी की बैठक में हल्की फुल्की चर्चा इस विषय पर की जानी थी वो भी की जा चुकी है। तो ऐसे में विशेषाधिकार अब प्रदेशाध्यक्ष का रह जाता है, और क्योंकि बिंदल अपने स्टाइल से काम करने के लिए जाने जाते हैं और वो अपने तौर तरीकों से भी काम करते हैं, इसलिए जो नई कार्यकारिणी होगी उसमें हम देखेंगे कि लगभग मैक्सिमम जो लोग आएंगे वो डॉक्टर राजीव बिंदल की पर्सनल चॉइस पर ही होंगे। कुछ एक जो लीडर्स हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर या प्रेम कुमार धूमल की बात करें या फिर जयराम ठाकुर की बात करें, इनके पसंद के कुछ नेता कार्यकारिणी में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश कार्यकारिणी में जो लोग शामिल होंगे, जो नेता शामिल होंगे, वो डॉक्टर राजीव बिंदल की पर्सनल चॉइस ही हो सकते हैं। ऐसे में कांगड़ा जिला के ऊपर अधिक फोकस दिया जा सकता है, क्योंकि अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश के तीनों जो महामंत्री हैं इनका भी बदलाव हो सकता है। राकेश जम्वाल को अगर हम छोड़ दें तो ना ही त्रिलोक जम्वाल अब प्रदेश महामंत्री के तौर पर आगे कार्य करने के इच्छुक लग रहे हैं, और त्रिलोक कपूर को भी उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको भी अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कांगड़ा से अगर बड़े चेहरों की बात करें तो अब दो बड़े चेहरे विपिन सिंह परमार और विक्रम ठाकुर, ये दो बड़े चेहरे हैं जिनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, वो फिर चाहे कार्यकारिणी में शामिल करके दी जाए या फिर कोई स्पेशल कैंपेन की लीडरशिप इन दोनों नेताओं को दी जा सके। तो ऐसे में इस बार की कार्यकारिणी में फोकस इन दो नेताओं के ऊपर रहने वाला है। अब किस तरीके से इन दोनों नेताओं को शामिल किया जाता है ये बड़ी बात रहेगी। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष की अगर बात करें उस पर भी बड़ा बदलाव हो सकता है, वहाँ पर भी नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। मंडी ज़िला से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर राकेश जम्वाल खुद से इच्छा जाहिर नहीं करते हैं, कार्यकारिणी से हटने की बात करते हैं, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र और तमाम अन्य प्रेशर्स भी नेताओं के ऊपर रहते हैं, तो अगर वो इच्छा जाहिर करते हैं तो फिर करसोग की तरफ भाजपा फोकस कर सकती है। बिहारी लाल वहां से हैं, उनको प्रदेश कार्यकारिणी में वर्तमान में प्रदेश सचिव वो हैं, तो ऐसे में उनकी प्रमोशन भी लग रही है। तो ऐसे में तमाम जो पद हैं वहां पर नए चेहरे हो सकते हैं। राजेंद्र, तो ये कहा जा सकता है कि नई कार्यकारिणी का गठन बहुत जल्द होगा और उसमें कई नए चेहरे बहुत जल्द नजर आएंगे, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर राजीव बिंदल जो नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है, देखना होगा किस तरीके से वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।